तो अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात मौसम की करेंगे। भीषण गर्मी और गर्म हवाओं वाला मई का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन इस बार मौसम कुछ यूं मेहरबान हुआ है कि मई के इस महीने में देश के कई राज्यों में मॉनसून वाली फीलिंग आ रही है, यानी झमाझम बारिश हो रही है, जबकि पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ बर्फबारी भी देखने को मिल रही है। मौसम के इस बदले मिजाज के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 1 मई से लेकर 4 मई तक बारिश के चलते मौसम कई राज्यों में सुहावना रह सकता है, यानी लोगों को फिलहाल गर्मी का सितम सताएगा नहीं। दिल्ली और NCR वालों के लिए गुड न्यूज ये भी है कि इस बारिश के चलते एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI में काफी ज्यादा सुधार हुआ है और लोगों को सांस लेने के लिए साफ हवा भी मिल रही है। कहीं हो रही झमाझम बारिश, कहीं बारिश के साथ गिरे ओले, तो कहीं बारिश के साथ हो रही बर्फबारी। पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम का मिजाज कुछ यूं देखने को मिल रहा है, और ये मिजाज है मई के महीने में। जिस वक्त देश के ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ती है, उस वक्त देश के कई राज्यों में मौसम मेहरबान बना हुआ है। मौसम के रुख में आए इस बदलाव को इन 5 तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, मौसम का ये ठंडा कूल अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के शहरों की है, जहां हफ्ते की शुरुआत झमाझम बारिश से हुई। दोपहर के वक्त काले घने बादलों ने आसमान पर डेरा जमा लिया और फिर दिल्ली NCR में बादल जमकर बरसे। फिर से मौसम ने करवट ली है। बीते 2 दिनों से लगातार दिल्ली में बारिश हो रही है, जिससे मौसम सुहावना हो गया है, ठंडी हवाएं चल रही है। अभी हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि दिल्ली NCR में जोरों की बारिश पड़ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 4 दिनों में ऐसी ही बारिश दिल्ली NCR में होती रहेगी। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत में भी बर्फबारी हो रही है, पहाड़ों में लगातार बारिश होने के चलते मैदानी इलाकों में भी मौसम सुहावना है। बीते कुछ दिनों में दिल्ली का तापमान 40 के पार गया था, जिससे लोग बेहद परेशान थे, पर इस बारिश ने अब लोगों के लिए राहत की खबर लाई है। कुछ देर की ही बारिश में दिल्ली NCR के शहरों की सड़कों पर पानी भर गया, जिसका असर ट्रैफिक की रफ्तार पर देखने को मिला। चाहे दिल्ली हो या नोएडा, गाजियाबाद हो या गुरुग्राम, हालात कमोबेश एक जैसे ही नजर आए। आप देख सकते हैं किस तरह से जो दिल्ली है पूरी तरह से तरबतर हो गई है, और साफ तौर पर आप देखिए कि अलग अलग इलाकों में जो निचले इलाके हैं वहाँ पर जल जमाव की भी शिकायतें हैं, और बारिश के बाद थोड़ा ट्रैफिक है, कई इलाकों में हैवी सा हो गया है। मई के महीने में मौसम में ये बदलाव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ के चलते देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 1 से 4 मई तक बारिश का ये दौर जारी रह सकता है, जिसके चलते तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। चूंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, हमारे पास मॉइस्चर लेके आया हुआ है, साथ में साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, दो सिस्टम के मिल जाने की वजह से ये एक्टिविटी हमारे पास, इंटेंस एक्टिविटी दिल्ली NCR में और पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हो रही है। सर, अभी कितने दिनों तक इसी तरीके का मौसम जो है वो फिलहाल बने रहने की उम्मीद है, लोगों को कब तक इसी तरीके से राहत मिलेगी? देखिए, आज और कल हमारे पास मुख्यतः इस तरह की एक्टिविटी दिल्ली NCR में बनी रहेगी, और परसों थोड़ी सी कम हो सकती है, और इसके लिए हमने येलो अलर्ट भी दिल्ली NCR के लिए जारी किया हुआ है। हालांकि देखेंगे कि हमने जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए हमारे पास जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है, जिससे कि पहाड़ों पर आपके पास हैवी रेनफॉल होगी और मैदानी इलाकों में थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग होगी हमारे पास, और साथ में देखेंगे कि कुछ जगह पर हेल स्टॉर्म भी इन राज्यों में हो सकता है। एक तरफ जहां मैदानी राज्यों में बारिश हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी दोनों देखने को मिल रही है। तस्वीरें देवभूमि उत्तराखंड की हैं, जहां राज्य के निचले इलाकों में तो जोरदार बारिश हुई, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी हो रही है। मौसम के इस बिगड़े मिजाज का असर चार धाम यात्रा पर भी देखने को मिल रहा है, चाहे केदारनाथ धाम हो या बद्रीनाथ धाम। बर्फबारी के चलते हर ओर सफेदी छाई हुई है। हालांकि मौसम के इस बिगड़े मिजाज के बाद भी चार धाम यात्रियों के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं है, ये तस्वीरें इसी बात की गवाही दे रही हैं। ऐसा अमूमन बरसात के दौर में देखने को मिलता है, लेकिन इस बार मई में ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है। अभी 48 घंटे इस तरह बारिश और बर्फबारी रहने का अनुमान है। वहीं प्रशासन द्वारा जो चारधाम यात्री हैं, बद्रीनाथ यात्रा जो चल रही है अभी, उसमें नहीं रोका गया है, यात्रा सुचारू है, उन्हें
ज्यादा बारिश होने पर सुरक्षित स्थानों पर रुकने का निर्देश दिया गया है और यात्रियों को अपने साथ गर्म कपड़े लाने की भी एडवाइजरी जारी की गई है क्योंकि बद्रीनाथ धाम में इस समय भी ठंड हो रही है। उत्तर दक्षिण भारत के राज्यों पर भी मौसम की मेहरबानी बनी हुई है। तमिलनाडु से लेकर तेलंगाना तक कई शहरों में बादलों ने डेरा डाल रखा है और बारिश की बूंदें राहत बनकर बरस रही हैं। हालांकि इस बारिश के चलते ट्रैफिक की रफ्तार पर थोड़ा ब्रेक जरूर लगा, मगर लोगों को उमस भरी गर्मी से भी राहत मिली है। दिल्ली से अनामिका गौर, रामकिंकर सिंह, सुशांत मेहरा और उत्तराखंड से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए मौसम तो राहत ही लेकर आया है, साथ ही इस मौसम के कारण हवा भी काफ़ी साफ हो गई है, बेहतर हो गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के एयर क्वालिटी इंडेक्स आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 2023 के पहले चार महीनों में यानी कि जनवरी से लेकर अप्रैल के दौरान अच्छी से मध्यम वायु गुणवत्ता वाले ज़्यादातर दिन देखे गए हैं। यानी कि एयर क्वालिटी इस साल जनवरी से अप्रैल के बीच पिछले 7 सालों में सबसे साफ रही है, बेहतर रही है। AQI में आए इस सुधार पर देखिए मेरे सहयोगी आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट। आमतौर पर मई के जिस महीने में हम तेज गर्मी देखते थे, तापमान 40 से ज्यादा हो जाती थी, ऐसे में बूंदाबांदी अपने आप में चौंकाती है। हालांकि पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है तो दिल्ली NCR समेत मैदान के कई इलाकों में आप ये बरसात भी देख रहे हैं। लेकिन गुड न्यूज सिर्फ इतनी नहीं है, गुड न्यूज ये भी है दिल्ली समेत पूरे NCR के लिए कि दिल्ली में इस साल जनवरी से लेके अप्रैल तक जो साफ मौसम, और साफ मौसम में भी वो समय जब हवा की गुणवत्ता बेहद साफ रही हो, वो पिछले 7 सालों के मुकाबले बेहतर है। और ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का जो CAQM है, जो क्वालिटी एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को देखता है, वो बता रहा है कि साल 2023 में जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच इन चार महीनों के बीच हवा की गुणवत्ता पिछले 7 सालों के मुकाबले बेहतर रही है। हालांकि इसमें 2 सालों को हटा दिया गया है या उन्हें एक्सेप्शन माना गया है जब लॉकडाउन था, क्योंकि ज्यादातर औद्योगिक इकाइयां नहीं चल रही थी, सड़कों पर भीड़ भाड़ कम थी। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो ये 2023 के जो शुरुआती 4 महीने रहे हैं, ऐसे में PM2.5 जो है उसकी मात्रा भी ठीक रही, PM10 की भी मात्रा ठीक रही। लेकिन हाँ, इन सब के बीच दिल्ली में और पूरे NCR में प्रदूषण जो एक सबसे बड़ा कारण था, उसमें एक राहत जरूर दिखाई पड़ती है जब पिछले 7 सालों के मुकाबले दिल्ली वालों को इस नए साल में वो 4 महीने सबसे बेहतर, सबसे साफ सुथरे मिलते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट के साथ संजय कुमार के साथ में आशुतोष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली की हवा यूं ही बनी रहे, इसके लिए केजरीवाल सरकार ने राजधानी में प्रदूषण को रोकने के लिए समर एक्शन प्लान जारी किया है और इस प्लान के तहत दिल्ली के 30 विभाग एक साथ मिलकर काम करेंगे और प्रदूषण रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएंगे। 14 पॉइंट्स वाले इस समर एक्शन प्लान में केजरीवाल सरकार क्या क्या कदम उठाएगी, आइए देखते हैं। इसके 14 मुख्य पॉइंट्स हैं। पहला है कि डस्ट पोल्यूशन सबसे ज्यादा इस दौरान समर्स के अंदर देखा गया है, तो इसमें हमने लगभग 84 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें लगाई जा रही हैं ताकि सड़कों की स्वीपिंग मशीनों से कराई जा सके, और 609 पानी के स्प्रिंकलर लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा 185 मोबाइल एंटी स्मॉग गन भी लगाई जा रही हैं। ये तो वो हैं जो अभी हमारे पास हैं। इस बार बहुत बड़े स्केल पे हम लोग 70 इंटीग्रेटेड मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन्स हम लोग प्रोक्योर कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, और 250 इंटीग्रेटेड वाटर स्प्रिंकलर मशीनें खरीद रहे हैं। इससे पूरी दिल्ली की, खासकर जितनी भी PWD की सड़कें हैं, वो सारी की सारी मैकेनिकल स्वीपिंग होनी चालू हो जाएगी। जितनी छोटी सड़कें हैं नगर निगम की, उसके ऊपर पानी का छिड़काव शुरू हो जाएगा, हफ्ते में 1-2 दिन पानी का छिड़काव हुआ करेगा। इससे मिट्टी जो है वो सेटल हो जाएगी, मिट्टी उड़ना बंद हो जाएगी। इसके अलावा पूरी दिल्ली में दोपहर के टाइम 225 और रात के टाइम 159 पेट्रोलिंग टीम्स लगाई जा रही हैं, जो देखेंगी कि कोई ऐसे सोर्सेस तो नहीं है जहां से मिट्टी उड़ रही है, मिट्टी उड़ने के उनको रोकने की कोशिश करेंगे। 13 आइडेंटिफाइड हॉटस्पॉट्स हैं, वहां पे हम रियल टाइम अपोर्शनमेंट स्टडी जो है उसके जरिए हम उन 13 स्पॉट्स पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि वहां कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनकी वजह से मिट्टी उड़ रही है। एक नया रूल बनाया गया कि 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा क्या जहाँ भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उनको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, और उसके ऊपर हम क्लोज नज़र रखेंगे कि वहाँ से तो मिट्टी नहीं उड़ रही। तो अभी तक 750 ऐसे साइट्स ने रजिस्टर करवाया है और उनके ऊपर सरकार नज़र रखे हुए हैं।
इसके अलावा जितना ओपन बर्निंग है, खुले में कूड़ा जलाने की जो प्रथा है, इसको रोकने के लिए 220 पेट्रोलिंग टीम्स बनाई गई है और रात को 176 पेट्रोलिंग टीम्स बनाई गई है। और लैंडफिल पे फायर कंट्रोल करने के लिए एक SOP तैयार किया गया है जिसको लागू करवाया जाएगा ताकि लैंडफिल के ऊपर आग ना लग सके। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, वो आप लोग जानते हैं कि जितनी भी इंडस्ट्रियल रजिस्टर्ड यूनिट्स है उसमें PNG यूज हो रहा है, लेकिन इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर अवैध रूप से कचरा डंप किया जाता है, उसको रोकने के लिए DPCC और DSIDC की 33 टीम्स बनाई गई हैं जो कि यहां पे इसको रोकने की कोशिश करेंगी। इसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए पूरी योजना तैयार की जा रही है कि उनका कलेक्शन और इनका डिस्पोजल जो है वो साइंटिफिक रूप से किया जा सके। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अब MCD में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, MCD के साथ मिलकर दिल्ली के पूरे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को ठीक करने की प्रक्रिया तैयार की जा रही है। रियल टाइम अपोर्शनमेंट स्टडी जो है वो आप लोग जानते हैं कि उसकी मदद से हम एग्जैक्ट लोकेशंस पता करने की कोशिश कर रहे हैं। मोबाइल एयर लैब जो है वो हम जो 13 हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ एक एक हॉटस्पॉट पे मोबाइल एयर लैब ले जाएंगे और वहाँ का डेटा इकट्ठा करके 15 मई को दिल्ली सचिवालय के अंदर एक मीटिंग होगी सारे डेटा को स्टडी करके एग्जैक्ट लोकेशंस आइडेंटिफाई करने के लिए। इस साल ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए 52 लाख पौधे लगाने का टारगेट है जिसमें 42 लाख पौधे समर के दौरान लगाए जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, यही इसमें कई सारी चीजें आप लोग देख रहे होंगे वो भी हैं जो विंटर एक्शन प्लान में भी थी, समर एक्शन प्लान में भी हैं। और ये इतनी क्लोज निगरानी रखने की वजह से ही दिल्ली की आबो हवा में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। देश में मॉनसून का सीजन शुरू होने में हालांकि अभी वक्त है, ऐसे में बेमौसम बरसात भले ही लोगों को गर्मी से राहत जरूर पहुंचा रही हो, लेकिन किसानों को इस मौसम में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसे लेकर मौसम विभाग की ओर से भी कुछ जरूरी सुझाव दिए गए हैं। ये सुझाव क्या हैं? इस बारे में मेरी सहयोगी शिल्पी सेन ने मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार से बात की। अगर हम किसानों की स्पेसिफिकली बात करें तो किसानों में जैसे अभी गेहूं की रबी की फसल की लगभग कटाई हो चुकी है, लेकिन कुछ किसान भाई हैं जिनकी रबी की फसल अभी खेत में है, तो जिन किसान भाइयों ने खेत में रबी की कटाई कर ली है वो अपनी फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रखें, तथा जिन्होंने नहीं की है उनको सलाह दी जाती है कि वो कटाई तभी करें जब मौसम खुला हो, अन्यथा नुकसान ज़्यादा होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जायद की फसलों की अगर हम बात करें तो जायद की फसलें इस समय बुआई हो चुकी है लगभग, तो कुछ में अंकुरण हो रहा है या मक्का वगैरह वो नी हाइट तक हैं या टसलिंग स्टेज पे हैं, तो उनमें ओलावृष्टि से तो नुकसान होने की संभावना सब में है। अगर कुछ कोई जायद की फसल उड़द या मूंग की अभी बुआई नहीं की है तो मौसम साफ होने पे ही बुआई करें, और क्योंकि नहीं तो अंकुरण प्रतिशत में कमी आ जाएगी। और अगर इस समय सब जगह बारिश होने की संभावना है तो सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है, और तेज हवा में फसलों के मतलब खड़ी हुई फसलों के गिरने की भी संभावना बनी। बिल्कुल, तो ये स्थितियां हैं जिसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, क्योंकि फसलों को तो उससे नुकसान होता ही है, लेकिन अगर फसल की कटाई नहीं हुई है या सिंचाई करनी है तो किसान अपने खेत में न जाए, क्योंकि मौसम इसके लिए अनुकूल नहीं है, तो उनके लिए भी दुष्प्रभाव हो सकता है। लेकिन 4 मई तक ये स्थिति जारी रहेगी और उसके बाद मौसम खुल जाएगा, तो अभी ये फोरकास्ट किया गया है मौसम विभाग की ओर से, जिसको देखते हुए अपनी व्यवस्था या अपनी योजना को तय कर सकते हैं जो आम लोग हैं वो और किसान। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। अच्छी और सच्ची खबरों में अब आपको लिए चलते हैं सात समंदर पार, यूनाइटेड किंगडम, जहां इन दिनों भारत और इंग्लैंड की सेनाओं की जॉइंट एक्सरसाइज चल रही है। अजय वॉरियर 2023 नाम की ये एक्सरसाइज 27 अप्रैल से शुरू हुई जो कि 11 मई तक चलेगी। इस युद्धाभ्यास का मकसद दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों को और मजबूत करने के साथ साथ आतंकवाद विरोधी अभियानों में प्रशिक्षण को मजबूत करना है। ये युद्धाभ्यास भारतीय सेना और ब्रिटिश सेना के बीच रक्षा सहयोग में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक बढ़ावा देगा। सेना
सेना के जवानों के पावर पैक एक्शन की ये तस्वीरें ना तो जंग के किसी मोर्चे की हैं और ना ही किसी स्पेशल ऑपरेशन की हैं, बल्कि सैनिकों के शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करने वाली ये तस्वीरें आई हैं सात समंदर पार यूनाइटेड किंगडम से, जहां इन दिनों भारत और ब्रिटेन की सेना कुछ इस आक्रामक अंदाज में एक्सरसाइज करने में जुटी है। इस अभ्यास में सेना के घातक हेलीकॉप्टर भी गरज रहे हैं और बंदूकें भी आग उगल रही हैं। यानी इस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के जरिए जमीन से लेकर आसमान तक दोनों सेनाएं अपनी तैयारियों को परख रही हैं। चाहे किसी इमारत में छिपे दुश्मन का खात्मा करना हो या फिर जंगल में छिपे दुश्मन का, दोनों देशों की सेनाओं के जवानों के बीच गजब का तालमेल इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। पहले इसकी 2003-4 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी, तब मोटिव यही था कि ना सिर्फ काउंटर टेररिज्म बल्कि अर्बन टेररिज्म जैसी चीज़ों को कैसे हैंडल किया जा सके, वो दोनों सेनाएं एक साथ मिलकर एक जगह पर रहकर सीखती हैं। इसमें ना सिर्फ भारतीय सेना जो यूनाइटेड किंगडम्स की नई तकनीकों से रूबरू होगी, बल्कि ये भी देखा जाएगा कि अगर दोनों सेनाओं को एक जगह यानी एक मिशन पर कभी एक साथ साझा रूप से कुछ बड़ा काम करना पड़े तो फिर उसको कैसे किया जा सकता है। 27 अप्रैल से शुरू हुए अजय वॉरियर नाम के इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए भारतीय सेना 26 अप्रैल को वायुसेना के विमान C-17 से ब्रीज नॉर्टन पहुंची थी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस युद्धाभ्यास में भारत की ओर से बिहार रेजिमेंट के सैनिक हिस्सा ले रहे हैं, जबकि यूनाइटेड किंगडम से 2nd रॉयल गोरखा राइफल्स के सैनिक शामिल हुए हैं। ये सैन्य अभ्यास आमतौर पर 2 साल में एक बार होता है, एक बार ब्रिटेन में तो दूसरी बार भारत में आयोजित किया जाता है। अजय वॉरियर के 7th एडिशन का एक बार फिर से आगाज हो गया। दरअसल खास बात यह भी कि इस बार ना सिर्फ भारत की सेना के साथ साथ भारत के इंडिजीनियस हथियारों को भी इसमें शामिल किया गया है, बल्कि ये भी कि ये इस बार यूनाइटेड किंगडम में किया जा रहा है। इससे पहले का 2021 का युद्ध अभ्यास चौबटिया में किया गया था। हर बार ये एक जगह से दूसरी जगह भारत और यूनाइटेड किंगडम्स में किए जाने वाला युद्ध अभ्यास है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ना सिर्फ भारत नई टेक्निक के हमारे भारतीय सैनिक ना सिर्फ यूनाइटेड किंगडम की नई तकनीकों से रूबरू होते हैं, बल्कि यूनाइटेड किंगडम के सैनिक भी भारत के सैन्य कौशल से रूबरू होते हैं। भारत और ब्रिटेन की सेनाओं के बीच हो रहे संयुक्त युद्धाभ्यास का ये 7वां एडिशन है। इस अभ्यास का पिछला संस्करण अक्टूबर 2021 में उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया गया था। इस अजय वॉरियर अभ्यास का मकसद दोनों सेनाओं को जंग के हालात के अलावा एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए भी खुद को और मजबूत बनाना है, जिसकी गवाही भी ये तस्वीरें दे रही हैं। खास बात यह है कि इस बार भारतीय फौज की टुकड़ी इस अभ्यास में स्वदेशी हथियारों और उपकरणों का इस्तेमाल कर रही है। 11 मई तक चलने वाले इस अभ्यास के दायरे में बटालियन स्तर पर कमांड पोस्ट एक्सरसाइज और कंपनी स्तर फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज शामिल है। यानी ये सैनिक किसी भी हालात से निपटने के लिए खुद को हर कसौटी पर परख रहे हैं। सुमित चौधरी, गुड न्यूज टुडे। आपने प्री वेडिंग शूट देखा होगा, वेडिंग शूट भी देखा होगा, बेबी शावर भी देखा होगा, लेकिन क्या आपने पोस्ट डिवोर्स फोटोशूट देखा है? अगर नहीं देखा तो हम आपको दिखाते हैं अपनी जिंदगी खुलकर जीने का एक और नजरिया, इसे लोग कह रहे हैं। अपने पति से कानूनी तौर पर अलग होने के बाद एक महिला अपने सिंगलहुड को सेलिब्रेट करती नजर आती है, और इस मौके पर उस महिला ने बाकायदा तलाक के बाद फोटोशूट भी करवाया, और इस दौरान महिला अपनी शादी की एक पुरानी तस्वीर को फाड़ती नजर आ रही है। ये भी जिंदगी जीने का एक नजरिया है, जहां बोझ बन चुके रिश्ते से मिली आजादी का लोग यूं जश्न मनाते हैं और जिंदगी में फिर आगे बढ़ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने तलाक को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। 5 जजों की खंडपीठ ने कहा है कि देश की शीर्ष अदालत संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर पति पत्नी की तलाक की अपील को मंजूर कर सकती है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि तलाक के लिए इच्छुक पक्ष सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत के लिए पहले उसे कुछ शर्तें पूरी करनी होगी, तभी सर्वोच्च अदालत तलाक के किसी मामले में सुनवाई और फैसला सुनाएगा। पुरानी कहावत है कि चल गई तो चांद तक, नहीं चली तो शाम तक। ये बात शादियों पर भी लागू होती है। विवाह सफल और कामयाब हो गए तो फिर सारी जिंदगी खुशी से कटती है, लेकिन अगर कहीं रिश्तों में खटास आ गई, और ऐसी खटास आई
जो अब कभी मिठास में नहीं बदल सकती, तो रिश्ते वहीं दम तोड़ देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने अपने फैसले में यही कहा है कि रिश्ते अगर खटास से सड़ांध की ओर आगे बढ़ जाएं, तो रिश्ते लाश में तब्दील हो जाते हैं और उस लाश को ढोने का कोई मतलब नहीं होता। कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला देते हुए एक गाइडलाइन भी जारी की है, जिसमें यह बताया है कि किन किन परिस्थितियों में लोग सुप्रीम कोर्ट तक आ सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 में विशेष अधिकार मिला है कोर्ट को, जिसमें कोर्ट संपूर्ण न्याय करने के लिए अपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, और उसका इस्तेमाल करते हुए तलाक की जो पूरी प्रक्रिया है इसको कट शॉर्ट कर सकते हैं, और कोर्ट इस मामले में इसका इस्तेमाल कर सकता है और इस रिश्तों के झंझट से, रिश्तों की सड़ांध से, रिश्तों की लाश से दोनों पक्षकारों को, यानी पति और पत्नी को मुक्ति दिला सकता है, तलाक मंजूर कर सकता है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।